हेलो एवरीवन, चैनल की एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। सो फ्रेंड, जैसा कि अभी आप देख सकते हो, मैंने यहाँ पर तीन पीवीसी पाइप की सीट ले ली हैं और यहाँ पर ये जो दोनों पीसेस हैं ना, ये दोनों एक ही साइज कर हैं और लगभग इनकी मोटाई भी एक ही है। सो फ्रेंड, ये दोनों किस साइज में मैंने कट किया है आगे मैं आपको वीडियो में बता दूंगा, लेकिन अभी के लिए फिलहाल देख सकते हो कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। मैंने इसके कॉर्नर्स को भी अच्छी तरीके से कट करके उसको घस दिया है ताकि ये थोड़ा सा सर्कुलर शेप ले ले। सो अभी जो है हमको किस चीज़ की ज़रूरत पड़ने वाली है वो मैं आपको बताता हूँ। सो फ्रेंड, अभी हमको यहाँ पर ज़रूरत है चार USB फीमेल जैक की, जिसको निकालने के लिए मैं यहाँ पर कुछ इस तरीके के पुराने सर्किट्स का उपयोग कर रहा हूँ, जिसमें से मैं यहाँ पर कुछ इस तरीके का जो है USB फीमेल जैक है ना, ये मैं निकालूंगा इसमें से। इसको निकालना काफ़ी ज़्यादा आसान है, बट फिर भी मैं आपको वीडियो में दिखा देता हूँ। तो जैसा कि अभी आप देख सकते हो कि मैंने सभी USB फीमेल जैक्स को निकाल लिया है, और अभी जो है ना यहाँ पर क्या करने वाला हूँ कि मैं इन दोनों में से कोई भी आप एक पीस ले लो, ठीक है। सपोज मैं ये वाला ले लेता हूँ एंड उसके बाद इसको जो है यहाँ पर लगाना है। तो उसको लगाने के लिए सबसे पहले हमको मार्किंग करना पड़ेगा एंड मार्किंग करने के बाद इसमें जो है होल करने पड़ेंगे ताकि ये जो है इसके अंदर अच्छी तरीके से फिट आ जाए। तो फ्रेंड, जैसा कि भी आप देख सकते हो कि मैंने इस पे जो है चारों होल्स कर दिए हैं, और अब जो है इसको हम ये जो है ना यहाँ पर चारों पोर्ट इसको जो है हम इसको लगाते हैं। तो इसको लगाने के लिए आपको जस्ट कुछ इस तरीके से रखना है, और रखने के बाद में इस पे फेविक्विक लगा देना है। तो संभाल कर फेविक्विक लगाना, पोर्ट के अंदर ना जाए, पोर्ट के सिर्फ बाहर बाहर ही रहे, ठीक है। तो फ्रेंड, चारों USB फीमेल जैक को जो है मैंने इसके ऊपर जो है चिपका दिया है, लेकिन थोड़ा ज़्यादा फेविक्विक लग गया है तो इसकी वजह से यहाँ पर थोड़ा अच्छा नहीं दिखाई दे रहा, बट बाद में आगे हम इसको सही कर देंगे। फिलहाल अभी जो है इसको थोड़ा सा और अच्छे से पैक करते हैं। तो उसके लिए ये जो PVC पाइप हमने ली थी ना, इसको मैं इसके अराउंड में लगा दूंगा और इसको जो है अच्छी तरीके से गर्म करके इसके कॉर्नर को भी फोल्ड कर दूंगा, जिससे कि ये जो है इसके अराउंड में परफेक्टली फिट हो जाए। तो चलो इसको लगाते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पर एक लाइटर लूँगा और लाइटर की मदद से जो है सबसे पहले इसको थोड़ा सा गर्म करूँगा। गर्म करने के बाद जो है ये आसानी से मुड़ जाएगा। जैसा कि भी आप देख सकते हो कि मैंने इस PVC पाइप की शीट को जो है इसके अराउंड में अच्छी तरीके से लगा दिया है। अब यार देखने में तो काफ़ी ज़्यादा मस्त लग रहा है ये। और जो दूसरा वाला पीस था ना हमारा, ये वाला प्लास्टिक का पीस, इसको भी मैंने इसके साइज़ का कर लिया है, जिससे जो है ये इसके अंदर परफेक्टली फिट हो जाएगा। तो इसको मैं फिलहाल निकाल देता हूँ और अभी आते हैं इसके कनेक्शन पे। इसका कनेक्शन किस तरीके से करना है, तो उसके लिए मैं यहाँ पर दो वायर ले रहा हूँ, जो कि एक रेड में है और एक ब्लैक में है। तो आपको बता दूँ कि जो इस साइड वाला कनेक्शन है, जो कि यहाँ पर चार वायर आपको देखने को मिल रहा होगा, 1, 2, 3, 4, ठीक है। तो इस साइड वाला जो है ना ये प्लस है, और यहाँ से जो लास्ट वाला है ये माइनस है। हमको यहाँ पर सिर्फ इन दो ही कनेक्शन से ही मतलब है, ये पहला वाला और ये जो है लास्ट वाला, ठीक है। तो ये वाला जो है प्लस है और ये वाला माइनस है। सो उसके अकॉर्डिंग ही मैं जो है इन दोनों वायर को जो है पैरेलल कनेक्ट कर दूंगा, ठीक है। तो चारों का जो है प्लस एक साइड में कर दूंगा और चारों का माइनस जो है एक साथ में मैं यहाँ पर कनेक्शन कर दूंगा। तो कनेक्शन करने के लिए मैं यहाँ पर अपना सोल्डरिंग आयरन का यूज करूँगा। यहाँ पर मैंने सभी पोर्ट्स का कनेक्शन कर दिया है, जैसे मैंने बताया था ना, सेम उसी तरीके से यहाँ पर मैंने कनेक्ट किया है। इस साइड वाला सभी प्लस है और इस साइड वाला सभी माइनस है। सो अभी आपको यहाँ पर एक और इंपॉर्टेंट जानकारी देता हूँ कि यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखोगे ना, तो इसके बीच में आपको गैप दिखेगा, वायर और ये जो हमारा फीमेल जैक है ना इसके बीच में। क्यों? क्योंकि ये भी पूरा मेटल है, जो हमारा जैक है ना मेटल का ही है, तो ये वायर जो है ना उसके ऊपर टच नहीं होना चाहिए। तो आपको थोड़ा सा थोड़ा थोड़ा गैप रख देना है, मतलब अगर आप एक mm का भी गैप रख दोगे ना तो काफ़ी ज़्यादा है वो, तो इससे जो है शॉर्ट सर्किट नहीं होगा। तो इसको अच्छी तरीके से ध्यान रखना कि ये कोई भी वायर जो है इसके जो यहाँ पर माइक्रो USB का जो है फीमेल पोर्ट है इस पर जो है टच ना हो। और अभी जो है आते हैं एक और इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट पर, जो कि है इस तरीके का एक USB मेल जैक।
ठीक है। तो अभी इस यूएसबी मेल जो को जो है मैंने पुराने जो है केबल होता है डेटा केबल उस पर से मैंने निकाला है और देख सकते हो इसकी हालत काफ़ी ख़राब है फिलहाल तो, और इसमें भी मैं कनेक्शन करने वाला हूँ। इसका कनेक्शन किस तरीके से होगा, जो इस साइड वाला है ये है प्लस और इस साइड वाला जो है वो है माइनस का, जैसे ब्लैक वाला इस साइड कनेक्ट हो जाएगा माइनस में और रेड वाला प्लस में यहाँ पर कनेक्ट हो जाएगा। तो चलो इसको भी मैं सॉर्टिंग कर देता हूँ। सो फ्रेंड यहाँ पर मैंने यूएसबी मेल जैक का भी कनेक्शन कर दिया है और अब इसको बस जो है हमको ये वाला जो दूसरा वाला पीस बचा था ना यहाँ पर सेंटर में इसके होल करना है और होल करने के बाद इसको भी इसके अंदर चिपका देना है और उसके बाद इसको पैक कर देना है। तो चलो जल्दी से मैं एक काम भी कर लेता हूँ। सबसे पहले यहाँ पर होल करना है। तो फ्रेंड आप देख सकते हो कि मैंने इसकी जो है फिनिशिंग काफ़ी अच्छी तरीके से दे दी है। मैंने इसको चारों साइड से ना अच्छी तरीके से सैंडिंग पेपर से घस दिया है ताकि इसकी फिनिशिंग काफ़ी ज़्यादा मस्त आए जब मैं इसको पेंट करूं। और यहाँ पर एक और बात मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि ये वाला पोर्ट मैंने चेंज कर दिया है क्योंकि ये वाला जो पुराना वाला पोर्ट था ना ये पता नहीं क्यों काम नहीं कर रहा था। और फिर उसके बाद जब मैंने इसको निकाल कर चेक किया तो मुझे पता चला कि इसके अंदर जो चार पिन होते हैं ना उसमें का ये जो फर्स्ट वाला पिन है क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो ये जो थोड़ा अंदर चला जा चुका है क्योंकि मैंने इसको जब सोल्डरिंग किया ना तो काफ़ी ज़्यादा सोल्डरिंग आयरन हीट था और ये पिन जो है इस प्लास्टिक की मोल्डिंग है ना उसके अंदर घुस गया है, इसकी वजह से ये अच्छे से कनेक्ट नहीं हो रहा था। तो मैंने इसको निकाल दिया और उसकी जगह पर मैंने दूसरा पुराना वाला यहाँ पर लगा दिया। सो ये जो अभी काफ़ी अच्छी तरीके से वर्क कर रहा है। सो बस इतना ही है और अभी चलो यार इसको पेंट करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हो कि मैंने इसको जो है अभी पेंट कर दिया है, यहाँ पर मैंने सिल्वर किया है और बाहर मैंने येलो किया है। तो अब यार देखने में तो ये काफ़ी ज़्यादा गजब लग रहा है, इसकी फिनिशिंग भी बहुत अच्छी आई है, लग रहा है जैसे कि यार हम लोग ने इसको मार्केट से परचेस किया है। सो फ्रेंड अभी मैंने इसको क्यों बनाया क्योंकि यार देखो मेरे पास ना बहुत सारे ऐसे कंपोनेंट्स हैं छोटे छोटे जिसको मैंने बनाया है और मेरे पास हेडफोन और ब्लूटूथ वाले जो हेडसेट होते हैं ना वो भी है, तो उन सभी को चार्ज करने के लिए अलग अलग चार्जर का उपयोग करना पड़ता है। एक बार मैं अगर ये चार्जिंग पर लगा दिया तो मैं एक टाइम पर एक ही को चार्ज कर सकता हूँ। तो यार उसी प्रॉब्लम को खत्म करने के लिए मैंने ये वाला गैजेट बनाया है। सो आपको बता दूँ कि यार स्टार्टिंग में मैंने बताया था कि इसको मैंने किस साइज़ का बनाया है वो मैं आपको आगे वीडियो में बताऊँगा। सो अब मैं बताता हूँ, तो इसको मैंने जो है इस चार्जर के साइज का बनाया है। ये मेरा रेगुलर वाला चार्जर है जिससे मैं अपने फ़ोन को भी चार्ज करता हूँ, बाकी सारे गैजेट्स को भी चार्ज करता हूँ। बाकी और भी मेरे पास एक दो चार्जर हैं लेकिन ये वाला जो है काफ़ी ज़्यादा फास्ट चार्ज करता है, इसकी वजह से मैंने इसी वाले चार्जर के साइज का ही बनाया और ये जो है काफ़ी छोटा भी है इसकी वजह से, ठीक है। तो अभी देखो यार कुछ इस तरीके से ये जो है इसके अंदर लग जाएगा और अब जो है इसका पोर्ट ना एक पोर्ट से यहाँ पर चार पोर्ट बन चुका है। इससे आप क्या कर सकते हो कि आप इसे मल्टीपल डिवाइसेस चार्ज कर सकते हो। मैं आपको ये सजेस्ट नहीं करूँगा कि आप इसे जो है चार फोन चार्ज करो एक बार में, डेफिनेटली आप चार फोन तो एक बार में मत लगाना वरना चार्जर आपका जल सकता है। लेकिन हाँ अगर आप चाहो तो एक साथ में चार हेडफोन चार्ज कर सकते हो या फिर कोई अलग पावर बैंक चार्ज कर सकते हो या फिर आप चाहो तो जो ब्लूटूथ वाले हेडसेट आते हैं वो चार्ज कर सकते हो। तो फिलहाल मैं आपको यहाँ पर अभी टेस्टिंग करके दिखाता हूँ। तो देख सकते हो यार कुछ इस तरीके से ये यहाँ पर लग जाएगा और लगने के बाद में कुछ इस तरीके से ये दिखाई देगा और अच्छा लग रहा है देखने में फिलहाल ब्लैक एंड येलो कलर में। तो चलो इसकी टेस्टिंग करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पर मैंने एक्सटेंशन बोर्ड ले लिया है और इसको मैंने यहाँ पर ऑन करके रखा है, देख सकते हो यहाँ पर लाइट जल रही है, ठीक है। सो अभी इसको मैं इसके अंदर लगा देता हूँ एंड उसके बाद जो है हम इसकी करते हैं टेस्टिंग। तो यहाँ पर मैंने इसको कनेक्ट कर दिया है और कनेक्ट करने के बाद मैंने यहाँ पर चार केबल लिए हैं, ठीक है। सो देख सकते हो मैंने यहाँ पर टोटल चार केबल भी ले लिए हैं क्योंकि मैं सभी पोर्ट्स का जो आपको एक ही बार में टेस्टिंग करके दिखा देता हूँ यहाँ पर, और सभी वायर को जो मैंने फोल्ड कर लिया ताकि सभी वायर जो है फ्रेम के अंदर ही रहे और आपको बिल्कुल भी मतलब ऐसा ना लगे कि यार फेक वीडियो में बना रहा हूँ। तो सभी प्लग्स को जल्दी से कनेक्ट कर देता हूँ मैं। तो फ्रेंड देख सकते हो मैंने चारों केबल को जो है यहाँ पर कनेक्ट कर दिया है कुछ इस तरीके से और यहाँ पर ये दोनों जो है टाइप सी वाले हैं, ये दोनों जो है यूएसबी माइक्रो यूएसबी वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पर चार्ज करके दिखाता हूँ। सबसे पहले मैं ब्लैक वाले में जो है एक डिवाइस कनेक्ट कर देता हूँ। तो ब्लैक वाला जो टाइप सी है तो टाइप सी को मैं यहाँ पर चार्ज करने के लिए यहाँ पर एक जो मेरा ब्लूटूथ हेडसेट है एमराने का इसको मैं कनेक्ट कर देता हूँ। तो यहाँ पर जैसे मैं कनेक्ट करूँगा ना यहाँ पर इसकी लाइट चालू हो जाएगी। सो ये देख सकते हो इसी में जो है रेड कलर की लाइट चालू हो चुकी है अगर आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा तो, ठीक है। तो ये फिलहाल चार्जिंग हो रहा है, इसको मैं रख देता हूँ साइड में। और उसके बाद आते हैं दूसरे नंबर पर टाइप सी पोर्ट में। तो यहाँ पर मैं एक पावर बैंक ले रहा हूँ जिसको मैंने खुद बनाया था और इस पावर बैंक में मैं यहाँ पर चार्जिंग लगा देता हूँ। तो इसमें भी टाइप सी का पोर्ट है तो मैंने इसको चार्जिंग में लगा दिया और ये भी देख सकते हो चार्जिंग होना चालू हो गया। तो ये भी साथ में चार्ज होता रहेगा एंड उसके बाद में अभी आते हैं नेक्स्ट वाले
कंपोनेंट पे, तो और क्या चार्जिंग लगा सकता हूँ। तो उसके लिए मैं यहाँ पर मल्टीमीटर ले रहा हूँ जिसको मैंने रिचार्जेबल बनाया है, और यहाँ से जो है यह चार्जिंग होगा। तो थोड़ा सा मैं वायर को ओपन कर लेता हूँ यहाँ से ताकि नीचे तक पहुँच जाए, ठीक है। सो कुछ इस तरीके से इसको मैं निकाल लेता हूँ एंड अब जो है इसको मैं चार्जिंग लगाता हूँ। सो यहाँ पर देख सकते हो जैसे मैंने इसको चार्जिंग में लगाया, ये जो है इसकी रेड कलर की लाइट ऑन हो चुकी है, मतलब ये भी चार्ज हो रहा है, ठीक है। सो इसको भी मैं रख देता हूँ साइड में। और अब ये जो है लास्ट वाला बचा है ना, इसमें मैं अपना यहाँ पर जेब्रोनिक का हेडफोन जो है ये मैं कनेक्ट कर देता हूँ। तो जेब्रोनिक का हेडफोन भी है, तो चलो इसको भी कनेक्ट करता हूँ मैं। सो कुछ इस तरीके से जैसे मैं कनेक्ट करूँगा ना, इसके अंदर रेड कलर की लाइट चालू हो जाएगी। तो देख सकते हो यहाँ पर रेड कलर की लाइट ऑन हो चुकी है। सो फ्रेंड, आप जो है इस तरीके का गैजेट बनाकर यार अपने जो छोटे मोटे जितने भी मल्टीपल डिवाइसेस है उनको जो है एक साथ में चार्ज कर सकते हो। ये जो है मेरा चार्जर है 3 एम्पीयर का आउटपुट देता है, एक फास्ट चार्जर, जिससे जो है हमारा ये सभी डिवाइसेस जो है आराम से चार्ज हो जाएंगे। क्योंकि जितने भी मैंने डिवाइसेस यहाँ पर कनेक्ट किए हैं ना, इन सभी को लगभग 1 एम्पीयर से लेकर 1.5 एम्पीयर तक ही करंट चाहिए रहता है, उससे ज़्यादा इसका रिक्वायरमेंट नहीं होता, क्योंकि ये सभी जो है स्लो चार्ज होते हैं। तो इसकी वजह से यार ये सभी डिवाइसेज जो है इस चार्जर की मदद से काफ़ी परफेक्टली और काफ़ी जल्दी चार्ज हो जाएंगे। और बाकी अगर आप इसे फ़ोन कनेक्ट करना चाहते हो तो आप जो है 3 पोर्ट को जो है अलग से कुछ अलग डिवाइसेज में कर सकते हो, बाकी एक फोन ही आप इसे चार्ज करो तो वही बेटर होगा। सो आई होप यार आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो नीचे कमेंट कर देना, आपको उसका रिप्लाई जरूर मिल जाएगा। बस फ्रेंड, आज के वीडियो मिलता है इतना ही, मिलते हैं अपने अगली वीडियो में। टिल देन, बाय बाय।